नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा इंडस्ट्री की वीडियो में। 28 कल की एक्सपायरी है, डेटा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं, बट एक दो चीज़ देखने लायक है, उसको डिस्कस करेंगे। एजुकेशन के पर्पज़ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो में किसी भी प्रकार से कहीं से भी नहीं है। आप करते हैं तो आप ही जिम्मेवार हैं लॉस के, अगर हो जाता है आपको, क्योंकि मेरे गलत होने के चांसेस पूरे के पूरे हैं। आइए देखते हैं क्या है। क्लाइंट की तरफ से कोई खास चेंजेस नहीं है, तो जो एग्जिस्ट करता था डेटा हमें वही एक बार देखना पड़ेगा। FIs पुट भी बाइंग कॉल भी बाइंग, क्या कर रहे हैं ये? या तो कल के लिए पुट ऐड करते जा रहे हैं, कॉल को पोजिशनल ऐड करते जा रहे हैं। ये तो कल की एक्सपायरी के बाद ही क्लियर हो पाएगा, बाकी कोई खास चेंजेस नहीं है। क्रोज दोनों तरफ का सेल करके चल रहे हैं, प्रीमियम मीटिंग कर रहे हैं। मार्केट ऊपर जाता है नीचे आ जाता है, नीचे जाता है ऊपर चला जाता है, ये हो रहा है आपके प्रोज की पोजिशन के हिसाब से। आइए नेट बेसिस देखते हैं। ये डेटा एग्जैक्टली पोजिशनल बेसिस सेल साइड बैठा हुआ है, आराम से यहाँ पे सेल में है। यहाँ देखिए 101 थे आपको याद होगा, फिर 134, फिर 170, 2032। ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है यार, इनके अगेंस्ट में बैठे हैं कल के दिन प्रोज। तो हालांकि कल मुझे मार्केट इतना ऊपर तो नहीं लग रहा है, बट मुझे कल ये देखना पड़ेगा कल के एक्सपायरी के बाद कि ये पोजीशन खड़ी रहती है कि नहीं खड़ी रहती, ठीक है। तो यहाँ से कल के लिए मैं इस डेटा को न्यूट्रली मान रहा हूँ, कॉल की तरफ से कोई खास इंडिकेशन नहीं है। ये तो सेल साइड का डेटा है ही, नीचे की तरफ 4,62,000, ये भी देखना पड़ेगा कि हमें कितनी बची रहती हैं कल की एक्सपायरी के बाद। 4,62,000 यहाँ पे देखिए, 4,37,000 की और पुट राइटिंग कर दी है, दबा के नेगेटिव है, ठीक है। और स्टॉक फ्यूचर वैसा का वैसा ही है, पोजिशनल बेसिस ये भी नेगेटिव है। तो दोस्तों कल के लिए डेटा नेगेटिव ही है, आज एड ऑन कुछ नहीं हुआ है। ऑलरेडी जो कल एग्जिस्ट करता था वो डेटा मौजूद है, नेगेटिव ही है, ठीक है। पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो जाती है आज के डेटा की रीडिंग में कि कल एक्सपायरी होने के बाद जो एक ह्यूज ह्यूज बड़ी बड़ी पोजीशन बनी हुई है, इसमें क्या एक्सपायर होता है, वो बहुत देखने वाली चीज़ होगी, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो कल का डेटा एनालिसिस का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज के बेसिस में तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ, डेटा नेगेटिव है और कल अगर मार्केट ऊपर जाता है आपको सेल ही करना है, और 16,800 के नीचे रहता है तो आपको सेल ही करना है, ठीक है। 17,000 के करीब जाके सेल कीजिए, 17,040-50 का सेल लगा लीजिए, नीचे 16,800 टूटता है वहाँ सेल करिए, ठीक है। इस प्रकार से आप कल प्ले कर सकते हैं। और भैया अगर ये माइनस के जो पुट हैं, -4,37,000, अगर ये कल के ही हैं तो FIs छोड़ेंगे नहीं, रगड़ देंगे, क्योंकि ये अब तक खड़े हुए हैं -42, -46, -437। मतलब मार्केट दो दिन में 100-125 पॉइंट ही गिराया FI ने, ताकि ये लोग अड़े रहें। वो कल लंबा खेल सकता है वो, ये एक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। बैंक निफ्टी तो कहीं से भी किसी प्रकार से बाय करने का सोचिएगा मत, चड्डी उतरी हुई है बुल की, ठीक है, आग लगा रखी है, सेकते जा रहे हैं नीचे की तरफ से, ऐसी गर्दन पकड़ ली है, मौका नहीं मिला है लोगों को निकलने का। आ रहे हैं मेरे पास मैसेज, उस समय सुन बच लेते, सुन लेते, आपकी मान लेते, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते हैं भाई। मैं तो कह रहा हूँ जो अभी ओवरसोल्ड होगा मार्केट, एक पोल बैक वगैरह आना चाहिए और उसमें निकल जाइएगा, और कोई ज़रूरी नहीं है आए, ठीक है। इस प्रकार से दबोचा हुआ है, लोग ऐसे फंसे हुए हैं, जब तक वो काट ही नहीं लेंगे ना, जब तक वो अपनी पोजीशन काट ही नहीं लेंगे। और एक एवरेज करने वाली बीमारी इतनी ज़बरदस्त डाल दी है भैया, आपकी कॉल है तो कॉस्ट पर निकल जाइएगा, एवरेज मत करिएगा, मेरी सलाह ये। चलिए, थैंक यू वेरी मच।